gentlemen, it's time! सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। तो लायन और टाइगर की औलाद है ये, जीतने की असली वैल्यू। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म लाइकर से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। वहीं ठीक इसके अपोजिट स्पैन इंडिया फिल्म से अनन्या पांडे साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही हैं। इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। फिल्म को पूरी जगन्नाथ डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि इस फिल्म को करण जौहर और धर्म प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। दोस्तों, फिल्म बहुत हाइप पे है, हो सकता है कि बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई करे। लेकिन फिल्म का कलेक्शन जानने से पहले जान लेते हैं कि इसमें जिसने काम किया है, जितने एक्टर्स हैं, उन्होंने कितना कलेक्शन किया है इस फिल्म से। तो विजय देवरकोंडा फिल्म के लीड एक्टर, खबरों के अनुसार लाइगर में काम करने के लिए विजय देवरकोंडा ने मोटी रकम चार्ज की है। इस फिल्म के लिए मेकर्स ने विजय को करीब 35 करोड़ रुपए फीस दी है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस अनन्या पांडे, उन्होंने इस फिल्म के लिए लिया है 3 करोड़ रुपए और ये अनन्या के करियर की तीसरी फिल्म है। माइक टाइसन, इस फिल्म में दिग्गज मुक्केबाज माइक टाइसन भी नजर आने वाले हैं। फिल्म में वो कैमियो करते दिखेंगे। खबरें हैं कि माइक टाइसन को 8 से 10 करोड़ रुपए के बीच में ऑफर किया गया है। रोनित रॉय, रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनित रॉय ने इस फिल्म के लिए 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। राम्या कृष्णन, खबरों के मुताबिक बाहुबली शिवगामी का कैरेक्टर प्ले करने वाली राम्या कृष्णन लाइगर में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। खबरों के अनुसार इस फिल्म के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए चार्ज किया है। अली, साउथ के मशहूर कॉमेडियन अली ने इस फिल्म के लिए 85 लाख रुपीस चार्ज किया है। विशु रेड्डी, एक्टर विशु रेड्डी फिल्म में दमदार किरदार निभाते नजर आएंगे। खबरों के अनुसार उन्होंने 60 लाख रुपए बतौर फीस चार्ज किया है। मरकन देश पांडे, एक्टर मरकन देश पांडे ने फिल्म लाइगर में काम करने के लिए 40 लाख रुपए फीस ली है। मतलब अब तो एक्टर की जेब में पैसे चले गए, अब बारी है फिल्म के प्रोड्यूसर की जेब में पैसे जाने की। बहुत जल्द ये फिल्म, लगभग 5 ही दिनों के अंदर ये फिल्म रिलीज होने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। हालांकि ये फिल्म पहले रिलीज हो, उससे पहले ही खबरें हैं कि इस फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है। दोस्तों, विजय देवरकोंडा तेलुगु हिंदी लैंग्वेज की लाइगर के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर रहे हैं, जो 25 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। देखा जाए तो लोगों को काफी अट्रैक्ट किया है विजय ने, और सबसे बड़ी बात कि इस फिल्म में वो एक युवा स्टार के तौर पर नजर आए हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और इसीलिए एक मीडिया इंटरव्यू में बातचीत करते हुए विजय ने बताया कि वो इस फिल्म का सीक्वल भी ला सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट ने जब उनसे पूछा कि क्या सीक्वल मिलने की संभावना है लाइगर का, उन्होंने कहा हाँ, बहुत तक मुमकिन है कि होगा। हालांकि आगे की प्लानिंग लाइगर 2 को लेकर उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया, उन्होंने उसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया। दोस्तों, फिल्म के लिए सभी एक्साइटेड है, सभी लाइगर को देखना चाहते हैं, और सबको पता है कि ये फिल्म 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है, यानी कि 5 दिन बाद। लेकिन ये सब डिपेंड करता है लाइगर 2 या उसका सीक्वल डिपेंड करता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी कि लाइगर यानी कि विजय के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बॉलीवुड के, लेकिन वो इस टाइम वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में है। अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है तो वो बाकी आगे के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट इम्पैक्ट देने में कामयाब नहीं हो पाई, इम्पैक्टफुल साबित नहीं हुई, तो शायद ही वो बॉलीवुड में आगे काम करें। मतलब आगे बॉलीवुड में इनका करियर क्या होगा, ये डिपेंड करेगी इस फिल्म के कलेक्शन पर और परफॉर्मेंस पर। वेल, आपको इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राउड स्टूडियोज़।